कारखाने से हर फैक्ट्री से हर खेत से नरेंद्र मोदी सवाल पूछे थे और उन पर जवाबदेह बनाया जाए। ये सरकार दो तरीके से काम कर रही है और वो काम आप खुद मुस्तफाबाद में रह के आप जान सकते हैं। यहां इस प्रोग्राम के 5 दिन पहले मैं मुस्तफाबाद में आया था, बड़े बड़े नारे सुने थे हमने, स्वच्छ भारत अभियान। आपको कभी अपने इलाके में स्वच्छता का कोई अभियान दिखाया या नहीं, आप खुद बता दीजिए मुझे। क्या यही हमारा नसीब है क्या कि हम इतनी गंदगी में जिएंगे? ये हमारा नसीब नहीं है, ये जानबूझकर हमको इस इलाके में हमारे इलाकों में फैसिलिटीज नहीं देते हैं और हमके ऊपर हमारे ऊपर राज करते हैं और 5 साल बाद वोट मांगने आते हैं। क्योंकि जरूरी है सवाल को पूछा जाए, आपके इलाके में सरकारी अस्पताल कितना किलोमीटर दूर है? यहां आने से पहले मैं पूछ रहा था तो किसी ने बताया 6 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल है। कि ये हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे इलाके में अस्पताल बनाया जाए, कि ये हमारा अधिकार नहीं है अगर आज हम में से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कितना पैसा खर्च होता है, लोगों को अपने घर बेचने पड़ते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ये जरूरी है इस सवाल को भी उठाया जाए कि मुस्तफाबाद में सरकारी अस्पताल क्यों नहीं खोल रहे हैं। ये जरूरी है इस सवाल को भी उठाया जाए, इतनी बड़ी आबादी में कोई सरकारी स्कूल या सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। होता क्या है कि वो इतना हिंसा हमारे ऊपर करते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारा डिमांड भी यहां तक सीमित रह गया है, हमारी मांग भी इतनी सीमित रह गई है कि हमको जान से मत मारो। हम वो नागरिकता के अधिकार भूल गए हैं। आज जरूरी है जब हम खौफ से आजादी की बात कर रहे हैं तो उन नागरिकता के अधिकारों को भी लेके आया जाए। ये सवाल पूछा जाए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और रोजगार के लिए 5 साल में सरकार ने क्या किया है। अब जब मैं नरेंद्र मोदी को देखता हूं, नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनता हूं, तो एक फिल्म आई थी आप लोगों ने देखी होगी, जब कुछ नरेंद्र मोदी सवाल पूछा जाता है तो बार बार वो ये बोलते हैं कि 70 साल देश में क्या हुआ, 70 साल देश में क्या हुआ। अब जब भी उनसे सवाल पूछिए इन 4 सालों का तो 70 साल की दुहाई देते हैं, उनके मंत्री उनका संगठन, तो ये इतिहास और पीछे लेके चले जाता है। बोलते हैं कि बाबर ने क्या किया था, मुगल काल में क्या हुआ था। कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो गजनी पिक्चर थी जिसमें आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, नरेंद्र मोदी को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तो बाबर से लेके नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राजीव से लेके मनमोहन सिंह तक का उनको पूरा इतिहास याद है। वो इतिहास कितना ऐतिहासिक है उसमें अगर ना भी गए तो, लेकिन इस 2014 के बाद से क्या वो नरेंद्र मोदी चाहते नहीं उनको सवाल पूछे। वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मुझे लगता है कई बार नरेंद्र मोदी को लगता है कि अभी भी वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है और अभी भी कांग्रेस की सरकार है। तो जरूरी है नरेंद्र मोदी जो 4 साल सवाल पूछे, 4 साल पहले वादे किए थे, उन सारे चीजों पर सवाल पूछे जाए। सवाल पूछे जाए कि अच्छे दिनों के वादे का क्या हुआ, सवाल पूछा जाए कि सबका साथ सबका विकास मुस्तफाबाद में क्यों नहीं पहुंचा, ये सवाल पूछने की जरूरत है। 2014 से पहले बोले थे कि 15 लाख हम हर अकाउंट में वापस लेकर आएंगे, युवाओं को शिक्षा देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने तो दूर की बात, करोड़ों रोजगार इस देश में उन्होंने खत्म किए हैं। जो वादा था 2 करोड़ रोजगार का, उसका 1% नहीं दे पाए हैं, लेकिन उसके कई % हमको पीछे धकेल दिया है। 8 नवंबर 2016 आप तमाम लोगों को याद होगा, नरेंद्र मोदी साहब आए रात में, भाइयों और बहनों मित्रों, कल से आपके 500 और 1000 रुपए के नोट बंद, और 500 और 1000 रुपए के नोट में इसलिए बंद कर रहा हूं कि हमारे देश में जो काला धन है और जो आतंकवादी काला धन का इस्तेमाल करके आतंकवाद फैला रहे हैं, आज हम उन सब की कमर तोड़ेंगे। और उसके बाद जुम्मेवादी को चरम पर लेके गए, अजीब अजीब बातें बोली। एक वक्त आके बोला 50 दिन दे दो, मुझे 50 दिन दे दो, अगर मेरी एक भी गलती निकल आए तो मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना। आज 2 साल हो गए हैं, 50 दिन से बहुत ज्यादा हो गया है। सरकार की तरफ से ये बात साबित हो गई है कि नोटबंदी जिस उद्देश्य के लिए लाई गई थी, उस नोट पर वो उद्देश्य अभी वापस आ चुका है। काला धन कोई था ही नहीं, पैसा वापस आया है, लेकिन इस बीच में इस देश के किसानों पर अत्याचार हुआ है। किसान आप इंतजार करिए 2019 में इस देश के युवा, इस देश के नौजवान, इस देश के हिंदू, इस देश के मुसलमान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर आपको करारा जवाब देने वाले 2019 का वेट करिए। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता, और जो नफरत गर्दी फैलाई जा रही है, वो क्यों फैलाई जा रही है उस पर तुम्हें बाद आऊंगा। इतना सब नहीं मानता कि नोटबंदी फेल हुई। मेरा मानना है नोटबंदी जिस उद्देश्य के लिए सही में लाई गई थी, उस उद्देश्य के लिए ये नोटबंदी 100% सक्सेस रही।
नोटबंदी कभी काला धन से ये रिलेटेड था ही नहीं मामला, नोटबंदी कभी आतंकवाद